जी हाँ, सबके चेहरे पे या सबके मुंह पे, और खासतौर से कांग्रेस के मुंह पे एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। और ये बात जानने के बाद, समझने के बाद, मैं भी ये बात मानता हूँ कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मैं क्योंकि मैं अब कांग्रेस का फैन बन चुका हूँ, मैं बन चुका हूँ भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का फैन, और उसकी वजहें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहली बात, कैसे नरेंद्र मोदी ने मोटेरा स्टेडियम, सॉरी, का मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख लिया? कैसे? इज ही अ लेजेंड इन क्रिकेट? नहीं। क्या वो महान आत्मा है? नहीं। क्या वो रिटायर हो चुके? नहीं। उन्होंने क्यों रखा? पर वहीं मैंने थोड़ी स्टडी करने की कोशिश करी कि क्या आज से पहले ऐसा कभी हुआ है कि किसी कॉम्प्लेक्स का, किसी रोड का, किसी स्कीम का, किसी हॉस्पिटल का नाम किसी पॉलिटिशियन के नाम पे रखा गया हो। तो मुझे थोड़ी सी लिस्ट मिली, तो थोड़ी सी लिस्ट थोड़ी लंबी हो गई, तो कोई बात नहीं, होता है, ये महान लोग हैं जिनके ऊपर नाम रखे गए हैं, अच्छी बात है। पर चलो, एक पे रख लेते, दो पे रख लेते, तीन का रख लेते, चार का रख लेते, पर उन्होंने कुछ 60-70 रख लिए, वो इनकी मर्जी है, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है तो रख लिया, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा। पर मजे की बात तब हुई जब मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था, तो ऐसी बातों में, मैंने, वो रिपोर्टर है, तो मैंने कहा और क्या चल रहा है? कहता कुछ नहीं यार, रिपोर्टिंग करना है, पौंडेचेरी में है और राहुल गांधी का रैली थी, वो अभी देखी है, और अब वो आगे जाएंगे तो आगे उनको फॉलो करेंगे। तो मैंने कहा कहाँ जाए राहुल गांधी? तो उन्होंने बोला कि राहुल गांधी ने अभी शेड्यूल बताया अपना। तो राहुल गांधी ने बोला कि मैं अभी यहाँ से निकलूंगा और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाऊंगा, वहां से फ्लाइट लूंगा और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करूंगा, महात्मा गांधी रोड लेते हुए इंदिरा गांधी मेमोरियल कॉलेज पहुंचूंगा और वहां राजीव गांधी मेमोरियल सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा। ये मेरे दोस्त ने मुझे बोला, जो मैंने आपको बोला। थोड़ा और आगे चलते हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि कोरोना की लड़ाई में भारत पिछड़ रहा है, वैक्सीन नहीं आई। फिर भारत ने अपनी वैक्सीन लॉन्च कर दी। उसके थोड़े दिन बाद उन्होंने बोला, जब वैक्सीन लॉन्च होने के बाद, कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो चीन ने माना कि गलवान में, जहां हमारे भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, वहीं उनके भी 4 सैनिक शहीद हुए, और अब उन्होंने अपने आप को डिफरेंट पॉइंट से उनकी सेना भी बैकआउट कर रही है। जब ये हो गया तो उन्होंने बोला कि अब पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी अपोजिशन है, उनको ये टॉपिक उठाने चाहिए। जब विपक्ष मजबूत होगा तभी तो गवर्नमेंट को डर लगेगा, और गवर्नमेंट को डर लगना भी चाहिए, खास तौर से कांग्रेस से। पर फिर मैंने उनकी ब्रीफिंग देखी कांग्रेस पार्टी की, जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े। नरेंद्र मोदी जी की निर्मम, असंवेदनशील और अनैतिक सरकार ने घरेलू गैस, जिसको कि रसोई गैस कहा जाता है, जिसके सिलेंडर रखे हैं, इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। ये उनकी ब्रीफिंग थी जब किसी और की सरकार में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े। मैं गलत बोल गया पहले। अब उनकी ब्रीफिंग मैं आपको तब दिखाता हूं जब उनकी सरकार थी और एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े थे। ऐसा रिफॉर्म है जहाँ पे 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में हो जाता है, महंगाई बेलगाम पड़ती जाती है, क्या करते हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपए नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हम गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। देखा, यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि मैं फैन बन गया। बल्कि जो दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं ना कि जो प्रो मोदी, प्रो एनडीए, प्रो बीजेपी लोग हैं, या जो इनको गोदी मीडिया कहते हैं, उन सबको कांग्रेस का फैन बन जाना चाहिए, क्योंकि शायद ये पहली ऐसी ऑपोजिशन होगी जो अपनी बातों से और अपने मुद्दों से रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में काम करती होगी। इसलिए हम सबको कांग्रेस का फैन बन जाना चाहिए, जैसे मैं बन गया हूं। और मैं कुछ ऐसे और वीडियोस लेके आऊंगा जो आपको समझाएंगे और बताएंगे कि क्यों आप सबको कांग्रेस का फैन होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा।